से आए हैं? हराडी से। हराडी कहाँ लगता है? तमाड़। तमाड़ थाना क्षेत्र। हाँ, मंदिरे वाले। रांची जिला ना। हाँ, क्या मामला है? मामला तो मामला मामला क्या है? छोटा मोटा बच्चा 12 साल का, 12 साल का बच्चा को आपका अपना लड़का? हाँ, अपना लड़का। क्या नाम था उसका? अजय महतो। अजय महतो। अच्छा, उसका क्या हुआ है? उसका मार के उसको गला दबा के उसको यह किया है, ये फांसी लगा के हमी लोग का घर में टांग दिया गया था। टांग जो उसमें दरवाजा नहीं है, नया ढलाई। आप लोग का बच्चा को आप लोग के घर में मर्डर हुआ? हाँ। मतलब मर्डर के दिन आप लोग कहाँ थे? हम लोग सुंदरडी गए थे मेरा मायके, मतलब 10:30 बजे आसपास बच्चा को बैल चराने के लिए भेज दिए थे खिला पिला के दोनों भाई बहन को, और हम लोग गए। उसके बाद बच्चा 12 बजे आया बैल लेकर के, और उसका फुआ नहा धो दी और खाना उना खाई, चाय खाना उना खाया और चाय भी बना के पिलाई। उसके बाद अब बोल रहे जो हम थोड़ा खेलने जाएंगे, तो उसका फुआ खेलने नहीं जाने दे रही थी, तो नहीं हम भी आएंगे जामुन ला देंगे बोल के गया। एगो पोलोथिन दीजिए, तो नहीं बेटा हाथ से ही ला दीजिएगा बोल के उसका फुआ बोल रही है, और निकला। और आधा घंटा बाद ही वो हमला हुआ। उसका और एगो फुआ जो साथी दी है उठो आई थी, तो बोल रही है जो घर तक घुसेंगे और थोड़ा देख लेंगे ढलाई किए हैं, सूरत से नहीं आए हैं बोल के घुसी, तो देख रहा है बच्चा वहाँ टंगा हुआ है। तो आपका मतलब कितने बच्चे हैं आप लोग का? दो। एक माँ बाप हैं दोनों? हाँ, एक बेटा एक बेटी, लेकिन वो पहले वाला बेटा था। पहले मतलब एक बेटा एक बेटी। हाँ। अभी हुआ है घटना आपका बेटा के साथ? हाँ, बेटा बड़ा बेटा। तो पुत्र नहीं है? एक बेटी है छोटी, एक बेटी। हाँ, 6 साल की। इतना और उनका उम्र कितना था? 12 साल। 12 साल। अब घटना क्या तारीख का है? 19 तारीख। अच्छा, 19 से ही तो आज 20 तारीख हो गया। 19 जून का घटना है ये, तो जुलाई हो गया ना? हाँ भैया, जुलाई है। जुलाई हो गया। हाँ, मैंने 19 जून का है। हाँ, 19 जून का। करीब एक महीना हो ही गया। हो गया। हाँ, तो उस मामले में मैंने पुलिस को तो जानकारी मिला ही होगा, मतलब जानते हैं ना। 19 तारीख को ही बच्चा को एम्बुलेंस से गांव से उठा के ले गया गया हॉस्पिटल, और हमको बोले दीजिए ना, और वहाँ से मतलब ये नहीं है बोल दिए, तो उसके बाद उसको थाना ले गया। पुलिस को फोन किया भैया लोग, उसका मामा लोग गया था और फोन किया, और पुलिस को बुलाया, तो पुलिस लेके वहाँ गए थाना, और थाना में छोड़ के ही लोग आए। मतलब ये घटना मतलब कैसे हुआ है, कुछ पता है? मतलब आप लोगों को मतलब चल रहा है? हाँ, हल्का फुल्का तो चल रहा कैसे है। कैसे ये घटना जानते हैं थोड़ा? उस रोज तो कुछ नहीं बताया, हम लोग कुछ जानबे नहीं करते थे, तो मेरा गांव में थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा ना कुछ नहीं, मतलब सुनिए ना भैया, पहले भी कुछ नहीं सुने थे, नहीं तो बच्चा थोड़ी छोड़ के जाता। और मेरा गांव में तो कोई दुश्मन ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा आज मेरा बच्चा का ऐसा होगा? उठो, तो हम लोग को फोन करके बुलाया गया, तो हम लोग एक एक घंटा में तुरंत पहुंच गए सुंदरडी से, मेरा माँ के सुंदरडी है, वहाँ से घर आए तो देख रहे हैं मेरा बच्चा को खटिया में सुला दिया है, और उठा के हम गोद में ले लिए, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे उसमें, तो कैसे इतना जल्दी तो ऐसा नहीं हो सकता है। फांसी लगा हुआ? हाँ, फांसी हम नहा के रस्सी ठो आके दरवाजा में फेंक दिए थे, और बच्चा को ही रस्सी में सिर्फ एक गेंद, जैसा बैल सबको नहीं कूटते हैं उसी तरह लटका दिया गया। घर में ही टंगा हुआ? हाँ, घर में ही, ऐसा प्लेट है ना। तो घर में आप तो थे नहीं? ना, नहीं, हम लोग आप भी नहीं थे? नहीं, दोनों नहीं थे, दोनों गए थे। हाँ, हम लोग घर में नहीं। बेटी थी? हाँ, छोटी बेटी थी। इतना बेटा था? बेटा। और दोनों थे घर में, उनका घटना उस समय बेटी कहाँ थी? बेटी और घर है ना, हम लोग का 3 घर है। अच्छा। तो वो दूसरा घर में थी, उसका फुआ अलग थी ना, इसीलिए उन लोग के साथ थी, नहीं तो भैया के साथ ही रहती है। अच्छा, थाना में तो आप लोग सारा चीजों का रिपोर्ट जो भी मामला? हाँ, दे दिए हैं। हाँ, दे दिए हैं। इंक्वायरी करने के लिए कभी आया? एक और आज नहीं आया है। गाँव भी नहीं आया? गाँव भी नहीं आया। हम जाके परसों को भी बोले हैं एक दिन हमसे भी जाइए, कहे की पैसा तो डेली कमा सकते हैं, लेकिन मेरा बच्चा हम कहाँ पाएंगे इंक्वायरी करने के लिए? गांव भर कहे आप नहीं पहुंचे हैं, और हम बोलबो कि ये पुलिस को आप यहां से कैसे जानिएगा कि मेरा बच्चा कैसा है और उसका मम्मी पापा कैसा है? उठाने के बाद में कभी और गांव नहीं पहुंचे हैं? ना, एक को दिन नहीं पहुंचे हैं भैया। अच्छा, ये बताइए ना हमको सही तरीके से, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त होता होगा इस घटना के संबंध में, क्या जानकारी आप लोगों को ऐसा मिल रहा है? वो तो मंदिर के तरफ से। मंदिर की तरफ से? मंदिर कौन सा मंदिर? हराडी मंदिर। क्या हुआ था वहाँ? मतलब
का बोलेंगे पंडित जो पूजा करता है ना, तो चार पांच गो बच्चा देखो, बच्चा तो डेली स्कूल के आने के बाद घूमने जाता है मंदिर तरफ, तो बोल रहा है जो बच्चा लोग थोड़ा पैसा ऐसा थाली में ना कहाँ रखा हुआ था, थोड़ा बहुत को सूरज लिया था, तो घर तो नहीं लाया था, बच्चा लोग ही जो कुछ भी किया था, हमको तो पता नहीं था है ना उसका। तो बोल रहा है ना जो बाद में जब थाना ले गए बाबू को ना, उसके बाद बोल रहा है जी ये वाला थोड़ा मंदिर का ही है बोल के, मंदिर का अफवाह उड़ा दिया। बच्चा क्या होता है? पूजा होता है तो पैसा कौड़ी रहता है, तो बच्चा लोग पैसा लिया है बोल के। अच्छा। पैसा लिया है बोल के तो पहले बता देने से तो हम लोग अपना बच्चा को संभाल लेते जी, तेरा बच्चा ऐसा किया है बोल के हैं, लेकिन हम लोग को बता नहीं दे और बच्चा को धमकी उमकी दिया होगा, दो जब मारा भी था पंडित जो पूजा करता है हाँ ना। और शनिवार का घटना है उवाला 18 तारीख को है ना, स्कूल के आके साइड बच्चा गया था, तो हम लोग को उवाला बात नहीं बता दिया। अच्छा। और बात देखिए कभी दुश्मन ही नहीं था, 12 साल का बच्चा है, चार पांच जन थे, तो थोड़ा पतला साइज का था, आपका जैसा सेम वैसा ही टाइप का, तो बड़ा बच्चा सब धमकाने से तो बच्चा जावे करेगा, जा रे लाना ऐसा बोलता है बच्चा लोग, अभी आवाज आ रहा है, तो उस टाइम बच्चा तो गया भाई, तो क्या उप सब भी हम लोग को भी पता नहीं है, ये भी जो बोल रहा है ना उसी लिए हम लोग जान रहे हैं, पहले एक दिन भी पता नहीं था। और घर भी मेरा बच्चा एक को रुपया नहीं लेता था, पेंट तो हम सब साफ कर देते थे, तो छोटा बच्चा था स्कूल में। हम लोग का कहना है कि वहाँ पर जो पंडित जी जो पूजा करते थे, तो वहाँ पर जो गांव के कुछ जो है उन लोग जो आपके साथ में जिनका मर्डर हुआ बेटा, उनके दोस्ती लोग जो थे, वो लोग चोरी चमारी कभी कभार मतलब करते थे थोड़ा बड़ा साइज सब, तो उसमें मैंने वही घटना से संबंधित जोड़ा जा रहा है इसको, उसमें से मतलब आपका बेटा जैसे मान लीजिए चोरी उरी करते है ना, तो पंडित जी उस दिन पकड़ लिया था, मैंने पकड़ा था, मैंने आप चोरी किए हैं, तो इसका मतलब है कि पर्दा खुलेगा अब तो, कहीं चोराया है तो दूसरा दोस्ती जो है उन लोग को भी ये पता मतलब ना चले बोल के उन लोग का छोटा बच्चा लोग को पैसा दिया है पंडित 100-200 रुपया, घर में बता मत दीजिएगा बोल के। तो इसका मतलब ही आप लोग कहना चाह रहे हैं क्या कि उसका दोस्ती लोग जैसे इसको मर्डर करने से उन लोगों को पर्दा पंडित जी के सामने में ना आवे? हाँ जन तो पूरा अभी हो गया है, हम जाके बोलेंगे, बोल रहे थे उसको, हमको कहे नहीं बताए, पुलिस वाले सबों को आप लोग नहीं बताए हैं, तो बोल रहे हैं तो जाएंगे कार्रवाई करेंगे, तो कब जाइएगा, जाके पंडित को थोड़ा कार्रवाई कीजिए, हम पुलिस को छोटा बाबू को बोले फांसी लगना चाहिए था, मेरा बच्चा तो छोटा है, तो अभी तो इंक्वायरी करेंगे ना, अभी तो पुलिस तो इंक्वायरी करेंगे, लेकिन लंबा समय भी हो गया, एक महीना हो रहा है, नहीं रिपोर्टे नहीं आया है बोल रहा, तो डेली थाना जा रहे थे ना, किसी मीडिया पर बार में छपा था नहीं छपा था, उसके बाद वो तो पहले अगरज आपको नहीं कॉल किए थे, फोन किए थे आज से बहुत दिन पहले, दो तीन मतलब जो घटना हुआ ना उसके बाद 2-3 दिन के बाद ही आपको किए थे कॉल हमको, हाँ तो हम तो उस चीज को जानते नहीं थे, आप लोग के माध्यम से थोड़ा बहुत हमको जानकारी देते, फिर तो आप लोग तो आए नहीं, तो इसीलिए जाबे करेंगे बोल के हम चल दिए। अच्छा है कि इसका देखिए, तो पुलिस के पास में आप लोग जाते हैं जानकारी देते हैं किस तरीके से मामला है, क्या कहते हैं पुलिस से, क्या जानकारी मिलती है आप लोगों को? वो हाँ रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे, कहे नहीं करेंगे जी, कार्रवाई करेंगे यार, उस समय तो बोल रहा था अभी मांडर चुनाव है, कल जाएंगे बोल दिया और अबो नहीं किया, फोन करेंगे आपको, और एक महीना बिता दिया और आज से भी नहीं आ रहा है, तो क्या बात है? के आप लोग तो बता रहे हैं कि उस मंदिर से लेके इस तरीके से मामला है, है ना, कहीं आप लोगों को शंका इस बात का है, लेकिन अगल बगल के लोग क्या चर्चा चल रहा है? वही चर्चा चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं, पंडित जी को भी इस बात का पता है, सब पता है उसको, उन्होंने आपका पुत्र, सब पता है उसको, और अभी हम लोग के साथ बात भी नहीं कर रहा है, कहीं स्कूल में पढ़ाई करते थे गांव में क्लास में 5 में थे नाम क्या है? अजय माथ बहुत अच्छा टैलेंट था, मास्टर को पूछिएगा यही का है बुंडो का ही है ना, पूरा तेज, पूरा स्कूल का जिम्मेवारी उसी का था, कौन स्कूल में पढ़ते थे? बुंडो में, गांव के, मतलब बुंडो बिरसा चैनल में दिए थे, उसके बाद ले गए वहाँ, और गांव में लॉकडाउन में गांव में पढ़ता था। अच्छा, यहाँ बुंडो में पढ़ाई? हाँ, पहले बुंडो में दिए थे बिरसा चिल्ड्रन में, लॉकडाउन के कारण थे, और देखिये जाता है यहाँ चार्ज भी ना लेता है बिरसा चिल्ड्रन में, तो मेरा छोटी बच्ची इतना बड़ी थी, मेरा सास ससुर कोई नहीं है, अनाथ है, सिर्फ इसका अकेले है मेरा हस्बैंड, छोटा समय में ही इसका माँ बाप मर गए हैं, तो मेरा स्थिति थोड़ा खराब है बोल के हम ले गए घर बच्चा को,
तो ऐसा दुर्घटना हो गया। तो अभी जो जिसका संदेह आप करते हैं, हाँ, जो लोगों को आप, हाँ, लोगों पर संदेह है, नाम भी दिए हैं वहाँ थाना में, नाम भी दिए, हाँ, तो उन लोग अभी गांव घर में रह रहे हैं कि बाहर रह रहे हैं? पूजा करने आता है अभी तो नया नया, दो चार दिन ना जल्दी ही भाग रहा था। अच्छा। उतना मंदिर नहीं खुल रहा था, लेकिन अभी तो गुमसू में कुछ नहीं कर पा रहा है बोल के आ रहा है। और एक लड़का दो दिन पहले गया था हम लोग का घर, है ना, पूछने जो क्या बोलते हैं से, उसका भाई मेरा बेटा था उतना बड़ा ही है, 12 साल का, हाँ 10 12 साल का, सेम एक ही साइज का है दाना, तो उसके साथ कभी कभी खेलता था, तो हम खेलने नहीं देते थे, उसका नेचर खराब है बोल के ताश उस खेलता है बोल के, मेरा बच्चा को हम अपने ही कर लेते थे, तो बाहर में किसी किसी समय तो दस्ती हो सकता है। तो उसके बाद उसका भैया तो कभी मेरा घर नहीं जाता था, कभी भी नहीं। और जो घटना हुआ ना उसके दो दिन पहले गया है और बोल रहा है ए अजय अरे अंकित कतरा पैसा ले रहे, ऐसा बोल रहा है, है ना। तो वो बाबू बोल रहा है जो मैं कहा नहीं यार जानू भाई, ओकर भाई तो कतरा लेके से दे कैसे ले जाने, मैं कहा नहीं यार जानू। तो सही खन हमारे को दे तरे गाँव कितने ताश खेले ला तब निकलाए हुई, अरे यदि बाहर खाए तैग ले दे तो छुआ संगे साथ रहे तो नहीं गए खाबो कर, हम इतना बोल दिए। उसके बाद दो दिन के बाद ही घटना हुआ है भैया। अच्छा, दो गो हम शंका पा रहे हैं, दो एगो। अच्छा, ये घटना के बाद में मंदिर के पुजारी से मिले हैं आप लोग? नहीं नहीं, कभी हाँ, बात हुआ है? नहीं नहीं, नहीं कि मेरा पुत्र को आप पीटे थे चाहे इस तरह? हम जाएंगे बोले तो हमको जाने नहीं दे रहे, पूरा गांव पूरा हमला दुनिया हो गया है भैया इसी क्या। अच्छा, बच्चा था मंदिर में पैसा ही किया था, तो दूसरा सब कोई बोल रहा है। अच्छा किया था तो माँ बाप को कहे नहीं बोला, सूचना तो सबसे पहले माँ बाप को देना चाहिए। और उतना बड़ा नहीं था जो उतना कुछ भी नहीं करता था, मास्टर से पूछिएगा आप लोग, जो पूरा गाँव में पूछिएगा। मंदिर में कितने पुजारी रहते हैं? एक एक रहता है। अच्छा, बुढ़ाडी का है। अच्छा, हम वो भी मार रहे हैं, मेरा बच्चा देखिए बच्चा है, कहीं फेंका हुआ रहने से तो थोड़ा बहुत छुबो करेगा, नहीं छुएगा इतना बात नहीं बोल रहे हैं, है ना, दूसरा का ही में, लेकिन माँ बाप को पहले जानते देना चाहिए। हो सकता है उनके साथ में इस तरीके से घटना, उनका पैसा को होता था चोरी चमारी, तो हो सकता है बच्चा था तो थोड़ा डांट फटकार किया होगा, ऐसा मत करो, लेकिन उनका इस तरीके से घटना में तो हमको लगता है कोई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उनका साथी लोग हो सकता है कि इसका तो मतलब पकड़ाएगा तो फिर ये अगर पर्दा खोल देगा तो हम लोग का भी नाम आएगा करके, हो सकता है उस तरीके से घटना आप लोग जो बता रहे हैं उस तरीके से हुआ है। और मन नहीं मतलब पंडित को भी तो थोड़ा हम लोग को जानकारी देना चाहिए, बच्चा को उतना डांटने से बच्चा का दिमाग रहेगा बोल रही है ना, नहीं तो बच्चा तो है लेकिन आप तो जानेंगे पंडित जी तब ना, उसका पिता माता है सब सब जानते हैं, पूरा हम लोग को पूरा हेलमेट है। अच्छा पंडित जी, हाँ जी, हम लोग को पूरा जानते हैं तो कहे नहीं जानते हैं, हम लोग का गाँव में सब दिन रहता है तो कैसे नहीं जाने, हम लोग से पूरा का सब चीज है, लेकिन अभी हम लोग से बात भी नहीं कर रहा है, सारा घटना पंडित से ही हुआ है। अच्छा, हाँ कहे हम लोग को नहीं बताया वो पंडित जी, इतना बड़ा दुर्घटना कर दिया ना, ये भी हमारे थे उस टाइम बोलबो किए थोड़ा गुस्सा से, एक को छूत मेरा काम भी नहीं हुआ था ना, हम जा रहे थे मंदिर, आज बोले थे उनको मंदिर में, हाँ हम थोड़ा बोले मेरा बच्चा अगर गलती भी किया तो बोलना चाहिए हम लोग को। पंडित जी क्या कह रहे हैं? हम कुछ चुपचाप हैं, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे उसके साथ बात भी नहीं करेंगे, इतना बड़ा घटना कर दिया और कैसे बात करने का मन, मंदिर भी घुसने का मन नहीं कर रहा है भैया, जानते हैं। और मेरा एक गो लड़का देखिए बड़ा ऑपरेशन से दोनों बच्चा हुआ है, एक पुत्र था, घटना हो गया, अब तो पुत्र है ये नहीं तो चिंता तो लगे, चलने भी नहीं सक रहे थे, जानते हैं सलाइन उलाइन कितना दिलवाया, तब हम अभी एक महीने के बाद थोड़ा बहुत ही हो रहे हैं, तो मेरा शरीर देखने में पूरा ही लग रहा था। तो मतलब क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए इसका? तो थोड़ा कार्रवाई होना चाहिए, कैसे ऐसा हुआ काहे ऐसा, उन लोग को दंड होना चाहिए, नहीं तो उन लोग सजा होना चाहिए, नहीं तो उन लोग ऐसा ही करते रहेगा, आज मेरा बच्चा को किया काल किसका कर सकता है। तो तमार थाना आप लोग कितने बार गए हैं? हम तो एक बार गए थे, इन लोग गए हैं तीन बार गए, आप भी गए? हाँ पहले बार हम गए थे, भी गए हैं, पिताजी है ना, तो क्या पुलिस क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं? वही बोलता है, शुरू रोज तो बोल रहा था जो आपका दुश्मनाई कौन है। अच्छा, है ना, तो उस रोज तो कुछ बातें नहीं था तो क्या बोलेंगे, हाँ जो जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते तो दुश्मनाई के बारे में क्या बात देंगे, उसके बाद तो इन लोग दुश्मनाई तो नहीं है बोल दिया भाई, देखिए जो अगर कुछ हो जाएगा बोल रहे हैं तो दुश्मन। आप लोग बड़े अफसर जो होते हैं पुलिस के विभाग के, क्या आप लोग कोई जानकारी जिस तरीके से जो स्थानीय पुलिस अगर नहीं कर रही है तो क्या आप लोग दिए हैं, कहीं शिकायत किए हैं? कहीं नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि नहीं तो रिपोर्ट आने के बाद होगा बोल रहे हैं, रिपोर्ट बढ़िया से देख लेंगे उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? हाँ आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया? तो ही तो थोड़ा पढ़वा रहे हैं,
आया है भैया, तो उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला के पास में गए तो नहीं पूछे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या प्राप्त हुआ, बता दीजिए। ऐसा करके सिर करके चुप हो रहा है छोटा बाबू। अच्छा, हाँ, मैंने आप लोगों के प्रति में कुछ और भी आगे बात नहीं नहीं बढ़ा रहा है। अच्छा, बातें नहीं करना ना, हम जबरदस्ती बोल रहे हैं, देखिए जाइएगा, बल्कि तीन बार बोल दिए। आप लोग के साथ में घटना घटा, आप लोग पीड़ित व्यक्ति हैं और आप लोग बता भी रहे हैं, पुलिस को मदद भी कर रहे हैं। कम से कम हम लोग का जिसके ऊपर संदेह है तो आके हम लोग को पूछताछ करना चाहिए, करना चाहिए। आप लोग बता रहे हैं रास्ता को, आप लोग दिखा रहे हैं कि सर इस माध्यम से शायद हुआ होगा ना, आप इस पर थोड़ा देखिए, पुलिस को तो आप मदद कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो उनको तो होना चाहिए उतना तक बोले। अब पैसा तो डेली का कमा सकते हैं सर, तो हम बच्चा कहाँ पाएंगे। अकेले समा के घुस के, मेरा हस्बैंड तो नहीं घुसे, हम बोले इसको जानते हैं, हम बैठे थे ना भैया इस जगह, तो इसको कहे लाए हैं, बोल रहे हैं मेरा तबीयत शरीर पूरा कांप रहा था। पति पत्नी आप लोग गए थे, हाँ, तो आपको बोल रहे हैं आपका पति को क्यों लाए, हाँ, इसको क्यों ला रहे हैं, मैंने आपका, मैंने आपको बोल रहे हैं क्यों आया इसको, हाँ इसको बोल रहे हैं आपका पत्नी को कहे लाए हैं, कौन है, इसका तबीयत खराब है, तो बोल रहे नहीं बच्चा कमा है, बच्चा कमा है, तो इसको कहे लें इसका इतना तबीयत खराब है और कुछ हो जाएगी तो बीच रास्ता में बोल रहे हैं। तो हम बोल दे, हम बैंक आए थे उस टाइम आए सर, तो उसके बाद इसको इसको बुला के अंदर तरफ घुसा ले जा रहा है छठा बाबू, और चुपके से बोल रहे हैं ये शायद ऐसा ही हुआ होगा अपने से। तो उसको कैसे पता चला अपने से हुआ है, उठो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पढ़ के सुना चाहिए, सुनाना चाहिए ना उसको। भले हम लोग गरीब आदमी हैं भैया, कानून में तो गरीब नहीं है, नियम के अनुसार प्रशासन का थोड़ी ना हम लोग धारते हैं, उधारी नहीं खाए हैं, तो जब बोलने का है उठो तो हम बोलबे करेंगे, चाहे मेरा जो कुछ भी हो जाए। आप लोगों को क्या लगता है कितना लोग इस आपके लड़का को मारे होंगे? कितना लोग तो नहीं हुई, का संबंध में ही हुआ है। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो मारने वाले होंगे, 2, 4, 5, 7, 10? उतना आदमी को तो नहीं है दिए हैं, है लेकिन आप लोगों को शंका है कि उन लोगों को पुलिस पूछताछ करे तो कुछ पता प्राप्त होगा। हाँ, तो एक आदमी पकड़ा होना चाहिए ना, सबके बाद में नाम लिख के दिए हैं कि जब आप लोग FIR किए तो उस समय दिए, हम परसों को गए थे उस रोज दिए हैं। अच्छा, बता दिए हैं पुलिस, लिख के भी दिए हैं क्या? वही लिखे हैं, हम बोल दिए ना, रू लिखे हैं, हम आँख में देखे हैं लिखते समय, हाँ। लेकिन अभी तक मतलब पुलिस और गांव नहीं, नहीं। पहुंची है। कल आज तो नहीं आए हैं, तो देख रहे हैं, परसों को, परसों गए थे, हाँ। और अभी तो 2-3 दिन हुआ, 2 दिन हो गए, हम बोले थे आइएगा बोल के, नहीं उन लोग को बुलाएंगे बोल रहा है छठा बाबू, तो हम बोल दे बुला के क्या कीजिएगा, इसमें समझौता करने का नहीं है, आप जाइए वहाँ, हाँ मर्डर है कैसे समझौता होगा, आप उतना तो नहीं खुल के बोले, लेकिन उसको कुछ तो मिला है सर भैया, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है, बोलिए तो। मैंने आप लोग चाहते हैं इंसाफ मिले, हाँ जब इंसाफ मिले, ऐसे भी मेरा बच्चा तो गया ठीक ही है, लेकिन हमको उसका थोड़ा ये होना चाहिए, इंसाफ मिले, हाँ इंसाफ मिले, आरोपी पकड़ा है, हाँ और पकड़ा, घटना कैसे हुआ, हम लोग माँ बाप तो कभी भी जिंदगी में उन लोगों को आप लोग मान नहीं रहे हैं ना, नहीं मान, हाँ कैसे हुआ, किस दस से किया आत्महत्या, मतलब ऐसा साइड में दिया हुआ है बच्चा रस्सी में एकदम साइड में, हाथ, हाँ हाथ पैर उस जगह दो को, एक बैंसला बोलते हैं देहाती में, हाँ। वाला और एक दावली दोनों रखा हुआ था रेक में, दिन में हुआ था, दिन में, दिन में, हाँ दिन में 1-1.5 बजे आसपास। हाँ दिन में, तो हम लोग का घर सभी ऐसा है ना, हम लोग रहते ना होने से तो रहते हैं, वो घर में खटिया टुटिया सब था, लेकिन हम लोग नहीं थे, अरे इधर उधर का जो किया और ऐसा किया वही तो ही मालूम नहीं चल रहा था, तो कैसे दुश्मनाई देंगे शुरू रोज, बोलिए तो पहला रंग पूछो, बात आएगा गांव से तब ना देंगे, जानते हैं आप लोग यहाँ मेरे पास तो पहुँचे तो क्या उम्मीद लगाए हैं, मेरे पास तक आप लोग पहुँचे तो आप लोग क्या उम्मीद किए हैं? हम लोग उम्मीद किए हैं भैया आप भी हम लोग को साथ दीजिए थोड़ा, और उसमें पूरा कर रहे हो जाए जो जैसे हो रहा है, पुलिस से ही बात कीजिए, बात कीजिए उन लोग से भी, और जो हिसाब से होगा इसका वही जो आप थोड़ा हम लोग हेल्प कीजिए, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, कभी हम लोग देखिए हम लोग देहात हैं, झूठ तो नहीं ना, एक को भी झूठ नहीं, हम एकदम सही थाना भी गए थे, हाँ थाना भी गए थे, और थाना में नाम भी दिलवाए हैं, अरे वाला बात हम जितना आपको बोले हैं ना उतना उसको भी बोले हैं, और उसके बाद हम लोग का कांड नंबर नहीं दिया था, हम जकीदार को दिखाया मेरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, और उसके बाद घुसे और जी सर हम लोग का कांड संख्या दीजिए, बोल के हम अकेले गए और मांगे तो 3 गो रजिस्टर रखा हुआ था, उसको सर ने निकाल, हाँ थाना कांड संख्या इतना दिनांक
19/6/2022 समय इतना बजे, मृतक अजय महतो उम्र 12 वर्ष, पिता बहुत महतो। हम ये पूछ रहे हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाला है यही वाला। हाँ, हम पूछ रहे थे कि जो थाना में आप लोग आवेदन लिख के दिए थे। अच्छा, वही तो वही लिखा था कि इसका मामा लिखा था, उसका मामा लिखा था। आपको जो एफआईआर जो हुआ उसका कागज नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, थाना से नहीं लिए हैं? नहीं नहीं, हम तो थाना में आप लोग जैसे मर्डर हुआ तो पुलिस तो इस बात को तो बताए होंगे ना कि हम लिख के दीजिए, तो आप लोग तो लिख के दिए? नहीं, उन्हें लिखवाया, वही लिखा है, खाली बोले थे लोग। आप लोग मतलब बताया चीजों उन्होंने लिखा? वो नहीं लिखा, उसका मामा लिखा था, वो बता पता दे रहा है। अजय का जर मेरा भाई है। मामा लिखा था। और कौन बता दे रहे थे? पुलिस है मलिन शर्मा। तो आप लोग का घटना हुआ है और पुलिस कैसे बता रहा था? वो कैसे बता नहीं सकेगा, आप लोग का भी दिमाग खराब है, सुनिए। और कुछ नहीं लिखवाया, कुछ हो मतलब वहाँ दुश्मनाई का कुछ नहीं लिखा हुआ, वो तो नहीं लिखवाया। लेकिन आप लोग का जो मर्डर जो हुआ है तो आप लोग तो जानते हैं ना किस तरीके से हम लोगों के साथ मतलब आप घटना हुआ है, तो आप ही लोग ना लिखिएगा। हाँ तो मतलब हाँ तो वो तो माता पिता घर में नहीं था, वैसा लिखा हुआ। मदद किया माता पिता घर, मतलब जो भी आप लोग आवेदन लिखे आप लोग पढ़े, पढ़ने के बाद में आप लोग को तो संतुष्टि लगा ना किस तरीके से सही बात हम लोग लिखे है। तो वो जो एफआईआर आप लोग जब दिए वहाँ थाना में, तो उसका रिसीविंग लिए थे? तो अभी मांगने से पहले वो वाला हम लोग का उस समय दिमाग ही खराब था। अच्छा, तो पुलिस भी आप लोगों को नहीं दी है अभी तक? नहीं दिया। जाके मांगने से क्या नहीं देगा? हमको दो तीन बार गया थाना में नहीं मिला। नहीं, इन लोग उठो नहीं मंगाए, हम तो एक ही दिन गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से मिला? थाना से। थाना से ही, थाना से ही मिला, चौकीदार दिया। यहाँ भी दिया हुआ है वो सब, लेकिन आप लोग का जो लिखे है आवेदन जो दिए थे थाना को, लिखा हुआ है सिर्फ गला में फांसी, माँ बाप नहीं थे घर में, सुंदर अपना मायके गए थे, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। तो वो तब ना पुलिस बोल रहा था जो उन लोग किस ले गया था बोल के, तो इसको फुआ बोली बड़ा बच्चा था तो थोड़ा एक दो दिन भी मतलब 10-15 घंटा के लिए भी नहीं जा सकता है बोल के बोली थी। आप ड्यूटी आए हैं तो क्या छोड़ के मैया अपना बच्चा को छोड़ के नहीं आए हैं? तो सबको लाए, उसी प्रकार लोग भी गई थी, इतना घटना होगा उठो नहीं पता था। हम कैसे जाने कि आप लोग उस पत्र में किस तरीके से आप लोग लिखे? हाँ, उठो तो नहीं देखने से नहीं पता चला। हम जब तक नहीं देखे नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे कह देंगे कि किस तरीके से मतलब घटना हुआ है, किस तरीके से आप लोग लिख के दिए हैं? जो बता रहे हैं वो तो हम समझ गए, लेकिन आप लोग जो लिख के दिए हैं वो अभी तो कागज चाहिए ना, हम भी देखेंगे। हम पढ़ते न होने से हम पूरा ये कर लेते हैं, हम पूरा ये पूरा नटे कर लेते हैं दिमाग में, लेकिन हम नहीं थे। नहीं, उनको कॉपी एक बार आप लोग ले लीजिए जाके, लेना आप लोग कहिए कि हम लोग का जो एफआईआर कॉपी हुआ है हम लोग उनको दे दीजिए, है ना। आप लोग ले लीजिए, कल जाइए थाना और उसको कॉपी का आप लोग ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। जो हम लोग दिए थे उस रोज एफआईआर वही वाला दीजिए सर, बोलेंगे आपको देंगे ना। नहीं देंगे तो आप हमको फोन कर लीजिएगा, आपको क्यों नहीं देंगे? आप रिपोर्ट वहाँ पर दर्ज कराए हैं, आप जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हुआ है वहीं से आपको मिला है? वहीं से मिला है। वो आप जो लिखे थे वो आवेदन आपको तो मिलेगा ही, एफआईआर उसमें जो भी है आपका लिखा हुआ है धारा भी सब भी, और उस मैटर को देखेंगे ना कि कैसे लिखे हैं आप। मैटर से थोड़ा देख के ना बात होगा ना भाई, थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है इस तरीके से है। बाकी तो जो आप बताए वो तो सब सही है बताए, एक को थोड़ा सा भी गलत नहीं बताए हैं हम, लेकिन इसका कार्रवाई तो होगा ना, कार्रवाई कहाँ नहीं होगा कार्रवाई, हम भी जहाँ तक होगा भाई हम भी जा सकते हैं, कार्रवाई तो कि हमको काहे है तो क्यों है, क्यों है हम उसको भी बोले। देखिए आप अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो आदमी तो मनमानी सब कुछ कर सकता है, पुलिस तो कार्रवाई करेंगे ना, पुलिस जांच उस कर रहे होंगे पर मामला को निकाल रहे हैं। हाँ बोल रहे थे उठो तो हम लोग भी चौकीदार के द्वारा थोड़ा पता लगवा रहे हैं बोल के बोल रहे थे, हम भी मामला को देखेंगे और मेरे पास में आता हम भी देखेंगे इसको।